सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे सीधा शेयर बाजार के, जहां पर हमने देखा लगातार छठवें दिन गिरावट का दौर रहा जारी बाजार में, और हमने शुरुआत तो मजबूती के साथ की थी लेकिन उसके बाद दिन जैसे ढला वैसे बाजार में गिरावट हावी हुई है, लेकिन ओवरऑल कारोबार कैसा रहा हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाजार जिन तरह से जिस लेवल के साथ ओपन हुआ था, थोड़े से गैप के साथ हम ओपन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल क्यू, हमें डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिखाई दे रहे थे, लेकिन मार्केट्स कल जरूर नीचे बंद हुई यूएस मार्केट्स, लेकिन आप जिन लेवल्स पर खुले थे यानी मार्केट जिन लेवल पर खुली थी उनसे राउंड अबाउट 70-80 और पॉइंट्स नीचे जाके बंद हुई, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही इंडेक्स लेवल्स देखें तो ये अपने मेजर सपोर्ट से ऊपर बंद हुई हैं क्योंकि एक्सपायरी से पहले है और आज ट्रेडर्स ने अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करनी थी, कोई ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते थे वो रेस्ट, जिसके चलते हमने देखा लेकिन निफ्टी 17,000 से ऊपर क्लोज हो रहा है और बैंक निफ्टी आपको 37,000 के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली 37,400 के आसपास क्लोज होते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। आज थ्रू आउट द सेक्टर्स जितने भी स्पेसेस हैं उनमें एक अच्छी रिकवरी रीबाउंड सेशन देखने को मिला। सबसे टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रियलिटी पैक सबसे पहले दिखता है, ओब्रॉय रियलिटी व्हाट अ मूव, एफएनओ का हाईएस्ट जिन काउंटर्स में सबसे ज्यादा मूव था उनमें से वन ऑफ द काउंटर्स था ओब्रॉय रियलिटी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्लियरली रियलिटी पैक ने आज आउट परफॉर्म किया दूसरे स्पेस को। और इनफैक्ट अगर दूसरे स्पेसेस की बात करें तो पीएसयू बैंक वन साइडेड मूव आपको दिख रहा था, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतनी स्ट्रॉन्ग मूव थी और आप अब भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ जरूर आप बंद हुआ। कमोडिटीज एक तीसरा टॉप गेनर सेक्टर आज का रहा, उसमें एल्युमिनियम प्राइसेस के चलते आपने देखा हिंडाल्को, नैल्को, वहां पर भी अच्छे मूव देखे, इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स के पास नैल्को और हिंडाल्को, ये आप लास्ट के कुछ आधे घंटे में जब बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो उसके बाद हमने यहाँ से एक करेक्शन और एक थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से करेक्शन देखी, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट इनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। एफएनओ स्टॉक्स की अगर बात करें यहाँ पर तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से आज अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा, सस्टेन किया और इनफैक्ट मूव को बढ़ाई, उसमें सबसे पहला टॉप काउंटर आपका रहेगा सीजी कंज्यूमर, टाइटन की चलिए पहले बात करते हैं, टाइटन गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर दिख रहा है तो हमें एक क्लियरली सेंटिमेंटल इफेक्ट आज को गोल्ड स्टॉक्स पर, गोल्ड लोन बेस्ड काउंटर्स पर भी, मनापुरम, मुथूट फाइनेंस, इन सब काउंटर्स पर भी देखने को मिला, तो टाइटन वन ऑफ द टॉप गेनर्स। इसके अलावा नाइका एफएसएल आपको आज टॉप गेनर दिखा, वहाँ बड़ी ब्लॉक डील्स भी आई। इसके अलावा आपको दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें सीजी कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एक्विजिशन की बटरफ्लाई गांधीमती में, उसके बाद हमने देखा मेजॉरिटी स्टेक लिया और सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम और 8% की तेजी के साथ आपको सीजी कंज्यूमर बंद होते हुए दिखाई दिया। बलरामपुर चीनी नेक्स्ट एफएनओ काउंटर रहा, शुगर्स पे सारा दिन आपको बजिंग दिखाई दे, ईटी नाव की भी एक्सक्लूसिव थी जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% को टारगेट को लेकर शुगर स्टॉक्स के साथ, शुगर कंपनियों के साथ बैठक करेंगे पीएम, और उसके बाद आज थ्रू आउट आपने एक पॉजिटिव बज देखा बलरामपुर चीनी आपको 2% की क्लोजिंग के साथ। और ओपन अप थीम में आपको कई सारे काउंटर्स दिखे जिसमें ट्रेंड ने क्लियरली दिन भर अपने मोमेंटम को बनाए रखा और सस्टेन करा ये मूव को भी, तो एक रिकवरी लेड सेशन देखने को मिला, लेकिन यस अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करते हुए बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो 17,000 के ऊपर दी और निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपको 37,400 के आसपास आज की क्लोजिंग दी। चलिए, ये तो बाजार के पूरे राउंडअप की बात हुई है, लेकिन लगातार हम चैनल पर बाजार के दिग्गज निवेशक भी लेकर आते रहते हैं और दिग्गज निवेशक संजय शर्मा ने कहा है कि स्मॉल कैप में रिस्क रिवॉर्ड दोनों शामिल होता है, इसीलिए खासतौर से अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो निवेशकों को बहुत ध्यान से पैसे लगाने चाहिए।